चैप्टर में आज मैं बताऊंगा स्टेयर क्रिएट करना। चैप्टर नंबर 6 में हमने इस डिज़ाइन को यहाँ तक क्रिएट किया था। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें स्टेयर को क्रिएट करेंगे। स्टेयर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इसके बाकी वाल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे वाल ग्रुप को एक्टिव करेंगे डबल क्लिक करके, और पुश पुल टूल का यूज़ करके हम इसे यहाँ तक पुल कर लेंगे। ये वॉल ड्रा हो गई है। दूसरे साइड की वॉल को हम यहाँ पे इसको लाइन टूल का यूज़ करके हम इसे यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे, और एक लाइन यहाँ से ड्रा कर लेंगे। इसे आपस में मिला लेंगे। इसके बाद पुश पुल टूल का यूज़ करके हम इसे इस दीवार के बराबर, इस वाल के बराबर हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी वाल यहाँ तक क्रिएट हो गई है। अब इस ग्रुप को हम यहाँ पे रोक कर एक स्टेयर क्रिएट करेंगे। स्टेयर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने स्टेयर की लेंथ शो करना होगा। स्टेयर की लेंथ को शो करने के लिए हमें गाइडलाइन शो करना होगा। टेप का यूज़ करके स्टेयर की लेंथ जो है 9.8 फिट है। हम यहाँ पे 9.8 फिट इंटर करेंगे, और लाइन टूल का यूज़ करके हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे। लाइन की हाइट जो होगी 6 इंच होगी। इसे इराइज़र कहते हैं, इसका नाम एराइज़र है, इसे एराइज़र कहेंगे। और एक लाइन हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। इसके वर्थ को हम 10 इंच इंटर करेंगे। इसे ट्रेड कहेंगे। ये ट्रेड होता है और ये एराइज़र होता है। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके हम इसे सेलेक्ट कर लिए हैं, और मूव प्लस कंट्रोल का यूज़ करते हुए हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं यहाँ पे। और हमें 10 स्टेप बनाना है, इसलिए हम इसे इनटू 10 करेंगे। इनटू 10 ये हमारा 10 स्टेप यहाँ पे रेडी हो चुका है। और यहाँ से हम एक स्टेप कम कर लेंगे, इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लाइन टूल का यूज़ करके इस तरह से यहाँ पे मिला लेंगे, और यहाँ पे एक गाइडलाइन शो करेंगे हम 4 इंच पे। हम यहाँ पे गाइडलाइन शो कर लेते हैं इसके वेस्ट को, स्टेयर के वेस्ट को क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे हम लाइन टूल का यूज़ करेंगे। लाइन टूल का यूज़ करके यहाँ पे क्लिक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से यहाँ पर क्लिक कर लिए, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, या ड्रा कर लिया है लाइन को। और एक्स्ट्रा लाइन को अब हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, और हम इस पे ट्रिपल क्लिक करके इसको ग्रुप बना लेंगे। इसका हमारा सेपरेट ग्रुप होगा स्टेयर का, इसलिए हम यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करेंगे और इसे ग्रुप बना लेंगे। तो क्लिक करते हैं यहाँ पे ट्रिपल क्लिक, और राइट क्लिक करके मेक ए ग्रुप। ये हमारा स्टेयर का ग्रुप रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक्टिव करेंगे क्लिक करके, और पुश पुल टूल का यूज़ करके हम इस पे इसके विड्थ को हम 3 फिट इंटर करेंगे, 3 फिट। और यहाँ पे हम पुश पुल टूल का यूज़ करके हम इसे मिला लेते हैं। ये इसे यहाँ पर हमने मिला लिया, इसे लैंडिंग कहते हैं, और इसे राइजर, और ऊपर के स्टेप को जिस पे पैर रखते हैं इसे ट्रेड बोलते हैं। यह हमारा फर्स्ट राउंड स्टेप का क्रिएट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। यह हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में, सेकंड राउंड में हम यहाँ पे
लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे और इससे पुश पुल टूल का यूज़ करके हम यहाँ पे सेकेंड राउंड के लिए ड्रॉ कर लिए हैं। लाइन टूल का यूज़ करेंगे, लाइन टूल से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे जिसकी हाइट 6 इंच इंटर करेंगे, ये 6 इंच, और ये राइजर है, ट्रेड को इंटर करेंगे 10 इंच और दोनों को सेलेक्ट करेंगे। दोनों को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्शन टूल का यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके हम इसे क्लिक करेंगे, ये दोनों सेलेक्ट हो गया, और मूव टूल का यूज़ करते हुए हम इसे मूव करेंगे, प्लस कंट्रोल प्रेस करते हुए हम इसकी एक कॉपी बना लेंगे। यहाँ पे एक कॉपी बन चुकी है और सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे, इंटू 10 कर देंगे, 10 स्टेप के लिए इंटू 10, ये हमारा 10 स्टेप हो गया है। अब हम इसको, हम ये देखना है कि वॉल से ऊपर तो नहीं गई, ये हमारा एक स्टेप इसका वॉल से ऊपर जा रहा है, इसलिए हमें एक स्टेप यहाँ से इरेज करना होगा। तो चलिए हम इसे इरेज कर लेते हैं और लाइन टूल का यूज़ करके हम इसे यहाँ से यहाँ तक मिला लेते हैं, ये मिल गया। और इसकी वेस्ट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे इसकी वेस्ट को 4 इंच ड्रा करेंगे, 4 इंच इंटर करेंगे हम यहाँ पे, 4 इंच इंटर हो चुका है, और लाइन टूल का यूज़ करके हम इसे लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे, और एक लाइन हम यहाँ पे ड्रा कर लिए, और एक्स्ट्रा लाइन को हम यहाँ पे इरेज टूल का यूज़ करके इरेज कर लेते हैं। पुश पुल टूल का यूज़ करके हम इसे पुल करेंगे 3 फिट, ये हमारा स्टेयर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और हम इसके लैंडिंग पार्ट को यहाँ से पुल करेंगे, पुल करके इस वॉल पे मिला देंगे। अब ये हमारा स्टेयर कंप्लीट हो चुका है, इस तरह ये हमारा स्टेयर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी ये बाकी वॉल को ड्रॉ कर लेते हैं। वॉल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इसको एक्टिव करना होगा, वॉल ग्रुप को, ये हमने एक्टिव कर लिया है। रेक्टेंगल टूल से हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस तरह, और एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने 2 रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए हैं। और अब हम पुश पुल टूल का यूज़ करके इसे पुश कर लेते हैं और इसे भी पुश कर लेते हैं। यहाँ एक गाइडलाइन हम शो करेंगे, गाइडलाइन शो करने के लिए टेप का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, लाइन हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया है, पुश पुल से हम इसे मिला लेते हैं और इसको इरेज कर लेते हैं, और यहाँ पे लाइन टूल से हम यहाँ एक लाइन ड्रा करेंगे, और पुश पुल टूल का यूज़ करके ये वॉल को हम यहाँ तक मिला देंगे। ये हमारा वॉल भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ इस साइड में हमें पहले हम इसके गाइडलाइंस को डिलीट कर लेते हैं। एक गाइडलाइंस हम यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे गाइडलाइन शो करके, और एक गाइडलाइन हम यहाँ शो करेंगे, और एक गाइडलाइन हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। ये हमारी गाइडलाइन यहाँ पे शो हो चुकी है। अब हम रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, और पुश पुल टूल का यूज़ करके हम इसे अंदर की तरफ पुश करेंगे, और ये हमारा डोर क्रिएट हो गया। और इसके बाद हम ये गाइडलाइंस को डिलीट कर देते हैं, इरेज कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे डोर बन करके रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पे विंडो इंस्टॉल करना है। विंडो को इंस्टॉल करने के लिए हमें इस विंडो की एक कॉपी ले लेते हैं, मूव टूल का यूज़ करके हम एक कॉपी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, और
इसे रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए हम वाल को रीसेट कर लेते हैं। हम इसे डबल क्लिक करके एक्टिवेट करेंगे और पुश पुल टूल का यूज़ करके ऊपर की तरफ पुल कर देंगे। ये हमने यहाँ पे रिसाइज कर दिया। अब यहाँ पे हमारा ये विंडो भी इंस्टॉल हो चुका है। इस तरह हमारा स्टेयर भी क्रिएट हो गया और विंडो भी इंस्टॉल हो गया। अब हमारा यहाँ पे एक वॉल क्रिएट करना है, तो हम इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसको एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और ये सेंटर पॉइंट को हम डिलीट कर देते हैं। पुश पुल टूल का यूज़ करेंगे। पुश पुल टूल का यूज़ करके हम इसको यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं। ये हो गया। हम इसके अपर पोर्शन को भी यहाँ मिला लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक गाइडलाइन शो करेंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पुश पुल टूल से। अब हम इसे यहाँ पे मिला लिए, इसको हम इरेज कर लिए एक्स्ट्रा लाइन को। इस तरह हमारा ये डिज़ाइन यहाँ तक क्रिएट हो चुका है। हमने इस डिज़ाइन में आज की वीडियो में स्टेयर क्रिएट किया और ये विंडो यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। बाकी बची वाल को हमने ड्रा कर लिया है। आई होप कि वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस डे।